वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। यहाँ पे ईगल्स क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे हम अपनी टूर्नामेंट्स कराते हैं, पावर प्ले, हमदान प्रीमियर लीग, टेट्रा कप। तो हमारे साथ दो बैट्समैन मौजूद है दी आर्चर्स टीम के। इनका आज टूर्नामेंट का पहला मैच चल रहा था, आर्चर्स 11 वर्सेस थंडर सीसी। दोनों बल्लेबाज काफ़ी अच्छी साझेदारी करी थी, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। तो मैं आप दोनों का वेलकम करता हूँ, निशाद भाई आपका भी, मुस्तफा आपका भी। तो सवाल ये था कि जब आप पार्टनरशिप बनाने स्टार्ट किए तो आप लोगों का क्या माइंडसेट था, आप दोनों एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे थे और क्या माइंड में रख के गेम खेल रहे थे? माइंड में ये था क्योंकि ड्यू पड़ा है काफ़ी, विकेट तो बड़ा सॉलिड अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए, तो आउटफील्ड काफ़ी ड्यू था, तो उस वजह से ज़्यादातर कोशिश करते स्ट्राइक रोटेट सिंगल डबल्स में। बाउंड्री थोड़ी से मुश्किल से लग रहे थे लेकिन ये कि सिंगल डबल्स में हमने कोशिश की अपने स्ट्राइक रोटेट किए और रन बने। करेक्ट। तो जैसे आप अपने फ्लो में खेल रहे थे तो आप मुस्तफ़ा से कुछ गाइडेंस उनको दे रहे थे, कुछ गाइडेंस ले रहे थे, तो क्या बातचीत हो रही थी मुस्तफ़ा आप दोनों के बीच? हम लोग काफ़ी टाइम से एक साथ में खेल रहे हैं, क्रिकेट जानते भी हैं, तो हमारी दोनों की मेन स्ट्रेंथ यही है कि रनिंग बैटिंग लगेगी। और ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है और वही लेवल कम कर रहा था, तो उसकी वजह से हमने वही कोशिश किया कि यहाँ पे एक रन है वहाँ पे ट्राई किया, उनके फील्डरों पे थोड़ा प्रेशर डाल के उसको डबल में कन्वर्ट किया, जहाँ पे डबल होता है वहाँ पे ट्रिपल में कन्वर्ट किया। मतलब हम लोगों ने लेफ्ट बाउंड्री लगाई है, उसके बावजूद हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर ओवर में 10+ रन किया। तो बस वही थी मेन चीज़ कि स्ट्राइक रोटेट करना है और बाउंड्री और एक्स्ट्रा वो तो नॉर्मली मिलते रहेंगे, तो बस वही मेन में था। कैप्टन की तरह से भी वही था कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 10 रन पर ओवर लेके चलना। जी बिल्कुल, आपने जो करंट रन रेट आपको मेंटेन करना था वो आप लोगों ने बेशक बहुत ही अच्छे से कैरी ऑन किया। आप दोनों की पार्टनरशिप 75+ रनों की रही तो टीम को भी एक स्ट्रेंथ मिल गया कि एक अच्छा टोटल पोस्ट करेंगे। तो क्या माइंडसेट है कि कितना टोटल तक पोस्ट कर सकते हैं अभी? बॉलिंग के हिसाब से जब आप डिफेंड करने उतरोगे तो डेफिनेटली ड्यू फैक्टर तो रहेगा, तो बॉलिंग के आगाज से अपने टीम के क्या स्ट्रेंथ है आपकी? मेन स्ट्रेंथ वही है कि शुरू के जो 6 ओवर में वहाँ पे बॉल थोड़ा नया रहता है, नया बॉल जो है वो एक इजीली हो जाता है और ट्रेवल भी करता है। तो बस मेन वही है कि 10+ ओवर है, उसमें हम लोगों ने मिनिमम रन देने हैं और कोशिश करनी है उनके अटैक करके एटलीस्ट 2-3 विकेट जो है वो निकालने। अगर पावर प्ले में हम लोग 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इजीली इसको डिफेंड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, वासिफ है, सौरभ भाई हैं जो मैंने अच्छे बॉलर हैं, तो हम लोग इसको डिफेंड कर लेंगे। चलो बेहतरीन, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोग हमारी टूर्नामेंट तो काफ़ी टाइम से खेल रहे हो, अभी हमने इस नए वेन्यू पे स्टार्ट किया हुआ है, तो कैसे देखते हो इस पूरे आउटफील्ड को, इस पूरे वेन्यू को, और कैसी लग रही है हमारी? मेरा तो फर्स्ट मैच था यार, बड़ा मजा आया खेल के, बड़ा बेहतरीन विकेट बना हुआ है, बड़ा मजा आया आप क्या कहेंगे? मैं तो इधर ऑलमोस्ट 2-3 साल से खेल रहा हूँ, काफी टूर्नामेंट इधर कैश प्राइजेस वाले भी जीते हैं और आपका भी एक दो टूर्नामेंट यहाँ पे खेला था फाइनल, तो अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटीज भी जबरदस्त है, एक बस व्यू है वो तो नेचुरल है, उसका कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल जो है माशाल्लाह अच्छा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्रीज है, मजा आता है खेलने में, विकेट वगैरह अच्छी है, बैटिंग फैसिलिटीज भी, आपके साथ काफी टाइम से खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 साल से खेल रहे हैं, हर ग्राउंड में खेले हैं, तो माशाल्लाह जहाँ पे भी खेले हैं अच्छा, मतलब मजा आया, आपके जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं मजा आया, इंशाल्लाह नेक्स्ट की कोशिश करेंगे आपके साथ कंटिन्यू करें। चलो सही है, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, ये थे मुस्तफ़ा और निसार हमारे साथ, और अगला इंटरव्यू के लिए आप वेट करें। थैंक यू सो मच।